हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड होप सेम फॉर यू। चलो अब हिंदी सीखें। ये अब समय है हिंदी का। हिंदी में हम सीखेंगे ई की मात्रा, और ई की मात्रा जिसमें आ की मात्रा भी आती है पहले और फिर ई की मात्रा भी आती है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी, सुनिए ध्यान से। एक बार एक लड़की होती है, लड़की लड़की, क में कौन सी मात्रा आई? क के ऊपर बड़ी की मात्रा। लड़की होती है, उसका नाम होता है शीला। शीला में कौन सी मात्रा आई? श को बड़ी की मात्रा, और ल में आ की मात्रा। इधर देखेंगे, श ई ल आ, शीला बड़ी की मात्रा और आ की मात्रा। लड़की का नाम होता है शीला। बहुत बहादुर होती है वो। उसकी मम्मी एक अध्यापिका होती है और उसके पापा एक डॉक्टर होते हैं। उसकी मम्मी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती हैं और उसके पापा अस्पताल में जाते हैं। और उसकी दादी होती है, दादी। दादी में कौन सी की मात्रा आई? दे आ दे ई, दादी। आ की मात्रा और बड़ी की मात्रा। उसकी एक दादी होती हैं। दादी सत्संग पे गई हुई होती हैं। वो घर में अकेली होती है और चित्रकारी कर रही होती है। इतने में एक चोर आता है और देखता है कि वो अकेली है। चोर चोरी करने के लिए कमरे में चला जाता है, तो शीला देखती है कि वो कमरे में गया तो वो डरती नहीं है, वो उसे कमरे में बंद कर देती है। जब वो उसे कमरे में बंद कर देती है तो चोर डर जाता है। वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूं। वो सोचता है, चलो मैं इस बच्ची को डराता हूँ, धमकाता हूँ। कहते हैं, अरे ओ लड़की, दरवाज़ा खोलो। कहती है, नहीं अब मैं नहीं खोलूँगी दरवाज़ा, तुम फंस चुके हो। कहता है, बेटा खोल दो, मैं तुम्हें चॉकलेट टॉफ़ी दूंगा। वो कहती है, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए चॉकलेट टॉफ़ी। वो उसे बहुत कोशिश करता है समझाने की, लेकिन वो नहीं मानती। मानती, मैं आ ने ते ई, मानती मैं को आ की मात्रा, तक बड़ी की मात्रा। वो उसकी एक भी बात नहीं मानती और 100 नंबर पर पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस आती है, सब डर जाते हैं गली वाले कि क्या हुआ क्या हुआ। कौन डर जाते हैं? गली वाले। ग ला ला को बड़ी की मात्रा, गली वाले। सब गली वाले डर जाते हैं। इतने में उसकी दादी भी आ जाती है। वो देखती है, अरे हमारे घर में पुलिस कैसे आई, और वो डर जाती है। वो पूछती है, क्या हुआ क्या हुआ? तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी लड़की बहुत बहादुर है, इसने एक चोर को पकड़ा है और वो चोर पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी विपत्ति आने पर घबराना नहीं चाहिए, उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। अब मैं कुछ नए शब्द सिखा रही हूँ तुम्हें, जिसमें आ की मात्रा भी आती है और ई की मात्रा भी। मैं आ मैं ई मामी, मैं आ मैं ई मामी, आ की मात्रा और ई की मात्रा। चे आ चे ई चाची, आ की मात्रा ई की मात्रा। के आ के ई काकी, दे आ दे ई दादी, रे आ ने ई रानी, मैं आ ले ई माली, जे आ ले ई जाली। एक बार फिर से पढ़ेंगे, देखेंगे। मैं आ मैं ई मामी, आ की मात्रा ई की मात्रा। चे आ चे ई चाची, के आ के ई काकी, दे आ दे ई दादी, रे आ ने ई रानी, मैं आ ले ई माली, जे आ ले ई जाली, शे ई ले आ शीला, दे आ दे ई दादी, मैं आ ने ते ई मानती, गे ले ई गली। ये सारे
शब्द आप अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे, लिख कर फिर मुझसे चेक कराएंगे।